सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज, क्या आपको भी इंस्टाग्राम पर किसी ने ब्लॉक कर दिया है, लेकिन आप ब्लॉक होते हुए भी आप अपनी आईडी बना लेते हो सेकंड अकाउंट, उससे आप उसके अकाउंट को चेकआउट करने जाते हो, सर्च करते हो तो आपको सर्च में नहीं आता है वो आईडी। यानी कहने का मतलब है गाइज, कोई भी आपको ब्लॉक कर देता है तो आप यहाँ पर ब्लॉक आईडी सर्च करते हो तो आपको ब्लॉक हुआ आईडी नहीं मिलता है। जैसे मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, मेरे पास दो अकाउंट है। अब मैं एक अकाउंट को यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ और उस अकाउंट को मैं यहाँ पर ब्लॉक कर देता हूँ आपके सामने लाइव। तो गाइज, आपको वीडियो को कंप्लीट देखना है, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए हेल्पफुल वीडियोज लाता रहता हूं। तो दोस्तों, यहां पे मैं लाइव प्रूफ ब्लॉक कर देता हूं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को। अब यहां पे देख पा रहे हो मेरा अकाउंट आ चुका है, अब मैं यहां पे इसको ब्लॉक कर देता हूं। अब यहां पे मैं ब्लॉक करने के बाद आपको मैं लाइव प्रूफ दिखाऊंगा। जैसे कि यहां पे देख पा रहे हो, ब्लॉक मैंने कर दिया इस अकाउंट को। अब यहां पे ब्लॉक करने के बाद गाइज, अब यहां पे अकाउंट में सर्च करूंगा तो सर्च नहीं होगा। अब कर लेते हैं उस अकाउंट को लॉगिन। जैसे कि मेरा यहाँ पे दूसरा अकाउंट मैं ब्लॉक हूँ, तो मैं इस अकाउंट से अब उसे जो मुझे ब्लॉक किया है जो अकाउंट से, मैं उस अकाउंट को सर्च करूँगा तो यहाँ पे हमारा अकाउंट नहीं आएगा। जैसे मैं यहाँ पे आपको लाइव दिखा रहा हूँ, आप यहाँ पे देख पा रहे हो मैं अकाउंट सर्च कर लिया हूँ। अब यहाँ पे सर्च करने के बाद गाइज, मेरा यहाँ पे कोई भी अकाउंट नहीं आ रहा है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, क्योंकि मैंने यहाँ पे ब्लॉक हो गया है, मैं ब्लॉक हो गया हूँ। तो मैं आईडी यहाँ पे सर्च करूँगा, नहीं आएगा। लेकिन यही सेम प्रॉब्लम आपके साथ भी हो रही है, आप लोग यहाँ पे सेकंड अकाउंट बना करके जाते हो, आईडी को सर्च करते हो, फिर भी आपको नहीं आते। तो मैं आपको बताऊँगा इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, यानी कि आप कैसे अपनी ब्लॉक हुई आईडी से अपनी किसी भी जो भी आपको ब्लॉक करता है उसके अकाउंट को कैसे देख सकते हो। तो आपको मैं क्या बताता हूँ, आपको यहाँ पे एक सेकंड अकाउंट क्रिएट करना है अपने घर वाले फ़ोन से या फिर किसी फ्रेंड की मदद लेनी है। आप किसी फ्रेंड से मोबाइल थोड़ी देर के लिए मांग करके अपनी एक ईमेल आईडी क्रिएट करना। सबसे पहले आपको ईमेल आईडी क्रिएट करना है। ईमेल आईडी क्रिएट करने के बाद गाइज, आपको एक अकाउंट बना लेना है, उसी नेम से या फिर किसी और नेम से बना सकते हो। अब बनाने के बाद गाइज, उसके बाद आप यहां पे चेकआउट करोगे, सर्च करोगे तो बहुत ही आसानी से अकाउंट आ जाएगा। सो फाइनली गाइज, मैं यहाँ पे नया अकाउंट बना करके यहाँ पे अपनी अकाउंट को यहाँ पे ला चुका हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यही अकाउंट था जो मुझे ब्लॉक किया था मेरे अकाउंट को। तो मैं यहाँ पे सेकंड अकाउंट बना करके इस अकाउंट को सर्च कर लिया हूँ। कुछ इस तरह से आप भी सर्च कर सकते हो। बिल्कुल नया अकाउंट बनाना है, नए जी मेल अकाउंट बनाना है। अगर आप बिल्कुल सेम जी मेल सेम नंबर से आप बनाते हो किसी भी फ्रेंड किसी भी घर वाले फ़ोन से, उसके बाद सर्च करते हो, तो आपका यहाँ पे जो आपको ब्लॉक करता है उसका आईडी आपको शो नहीं होगा। तो आपको एक नया क्रिएट करना है जी मेल अकाउंट। बहुत ही आसानी से आप बहुत सारे जी मेल अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। आपको एक बना करके अपने अकाउंट को बना लेना है, क्रिएट कर लेना है नया अकाउंट। उसके बाद आप यहां पे यूजर नेम सर्च करोगे तो बहुत ही आसानी से आपके सामने अकाउंट आ जाएगा। कुछ इस तरह से आप भी अपने इंस्टाग्राम पर कोई भी आपको अगर ब्लॉक कर देता है गाइस, तो आप अपना सेकंड अकाउंट बना करके बिल्कुल इस तरह से देख सकते हो। उसकी स्टोरी उसके लिए सब कुछ यहां से देख सकते हो। कुछ इस तरह से आप भी देख सकते हो, कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आओगे। यस, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।